पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1967 से पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें बनी तब इन्होंने विपक्षियों की सरकारों को तोड़ा, सरकार गिराई, राष्ट्रपति शासन लगा दिए, जिसकी बदौलत आज इतने सारे इलेक्शन हो गए हैं कि आज भारत के अंदर 12 महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता ही रहता है। डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने मोदी के इस फैसले का समर्थन किया है। डॉक्टर राजकमल गुप्ता का कहना है कि चुनाव में सरकार का पैसा खर्च होता है और जनता को इसकी मार झेलनी पड़ती है। मोदी के इस फैसले को डॉक्टर गुप्ता ने जनता के हित वाला बताया है। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 1967 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन था, ये तो जब कांग्रेस की सरकारें बनी, इन्होंने विपक्षी सरकारों को तोड़ना था, कहीं कम्युनिस्ट गिराने थे, कहीं पे और सरकारें गिरानी थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिए और उसकी वजह से टूटते टूटते अब इतने सारे इलेक्शन हो गए भारत के अंदर। 12 महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, कभी ग्राम प्रधान का होता है, कभी नगर निगम का होता है, कभी विधायक का होता है, कभी सांसद का होता है। ये क्या है, अगले महीने विधानसभा कराने जा रहा हूँ, अब मार्च में आप लोकसभा करने जा रहा हूँ, क्या जरूरत है इसकी, ये एक साथ क्यों नहीं हो सकते, कितने देश के संसाधन खर्च होते हैं इसके ऊपर, कितनी पैसा खर्च होता है, यदि अगर वो पैसा बचे तो इस देश के विकास में काम आएगा, इस देश के नागरिकों के भले के में काम आएगा। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए वो तो उन्हें पता है गायब हो जाएंगे। आज अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो ये सब गायब हो जाएंगे। जैसे जैसे बयान दे रहे हैं, हिंदुओं की आहत कर रहे हैं, सारा हिंदू समाज एक हो गया ना, हिंदू समाज ये नहीं हुआ, पूरे भारतीय सब हिंदुस्तानी सब हो जाएंगे, भारत पूरा एक हो जाएगा, और ये INDA ये नाम का जो संगठन है ना, ये खत्म हो जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।